ये देखिए तमाम बजे नीचे आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खरीत से होंगे। आज हम लगभग कॉमनिटी के कॉलोनी के अंदर आ चुके हैं और डेली की तरह इनको दाना पानी डालेंगे और आज हमने इनका जो दीवार था वो कवर कर चुके हैं। आज शाम थोड़ी देर तक आपको दिखाते हैं, खैर एक नज़र बर्ड पर लगाते हैं कि हम आप देख सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ हमारे चैनल मिनी ब्लॉग गॉगल को सब्सक्राइबर किया करें और वीडियो को पूरा वॉच किया करें और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक किया करें। आपको नज़र आ रहे होंगे कि हर तरफ जो है बर्ड से बर्ड बैठे हुए हैं। ये एक जोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा डब्बे के अंदर, आप ये देखोगे कि एक मेल और फीमेल है। आज इनका बहुत ज़्यादा शोर है, अभी हम आपको जगह दिखाते हैं जहाँ हमने कवर किया है। आप देखोगे कि कवर हो चुका है मुकम्मल तौर पर, वहाँ तक जो है हमने कवर कर लिया है जहाँ पर मट्टी लगी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में बैठा करते थे तो हमने यहाँ पर जो है इसको कवर कर लिया है और यहाँ पर नीचे भी हमने कवर किया हुआ है। जो मुकम्मल तौर पर भी कवर हो चुका है, हम जैसे ही वहाँ पर गए तो सारे बर्ड जो है कॉलोनी के गेट के साथ चमक चुके हैं, सारे यहाँ पर आ चुके हैं और वहाँ पर कुछ ही रह चुके हैं। आपको तो नज़र आ रहा होगा कि बहुत कम है। ये हमारे छोटे बर्ड हैं, ये हमारा दूसरे कॉलोनी का पार्ट है। ये डरते बहुत हैं, थोड़ा भी करीब इनके पास जाओ तो ये डर कर उड़ जाते हैं। अभी क्लियर नज़र आ रहा होगा, पहले रोशनी से बहुत अंधेरा अंधेरा था, अभी क्लियर नज़र आ रहा है आपको। इसका भी ऐसा ऐसा रंग साफ हो रहा है, पहले काफ़ी गंदा हुआ करता था, इसको नहलाने के बाद जो है अभी काफ़ी हद तक साफ हो चुका है। अभी नए पर आएंगे इस पर, अभी जो है काफ़ी साफ हो चुका है और अभी इनके साथ ही बैठा रहता है। पहले एक कोने में बैठा था, अभी जो है इनके साथ ही होता है। जो हमारा जोड़ा था डब्बे के अंदर वो बाहर निकल चुका है, शायद जो ऊपर बैठे वही जोड़ा इस डब्बे का हो। यहाँ पर अंधेरा सा लग रहा है क्योंकि रोशनी ज्यादा है, जिसकी वजह से क्लियर नजर नहीं आ रहा। और वो हमारे ज़ेब्रा फिंच छोटे बर्ड हैं जो नीचे बैठना पसंद करते हैं हमेशा। मटकी की जो है तैयारी मुकम्मल हो रही है, अभी देखेंगे कि इसमें कौन सा जोड़ा लगेगा। मटका जो है बिल्कुल तैयार है, अभी कोई पता नहीं कि इसमें जोड़ा होगा कौन सा लगेगा, इसमें कॉमन लिटेनो का लगेगा या लव बर्ड का, कोई पता नहीं। ये जो है मटका मुकम्मल तौर पर तैयार है, आज इनका बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत ज़्यादा ये शोर करते हैं और इनके करीब जाओ तो ये डर कर भाग जाते हैं, किसी और जगह में बैठ जाते हैं। अभी हम इनको बाजरा और पानी डालने वाले हैं, एक नज़र आपको दोबारा चेक कराते हैं कहाँ कहाँ पर बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आज नहीं बैठे क्योंकि वो जगह कवर हो चुकी है, इसकी वजह से वो वहाँ पर नहीं यहाँ पर बैठे हैं।
हम जल्दी से इनको दाना पानी डालते हैं और फिर जो है अच्छे में बर्ड्स की कॉलोनी के अंदर जाएंगे और उन्हें दाना पानी डालेंगे। प्लीज हमारे चैनल मिनी डोंगर को जरूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को पूरा देखा किया करें। एक ही लाइन में बैठे हैं कोमली तीनों और लव बर्ड एक ही रह गया ऊपर, वो भी इधर होने की कोशिश कर रहा है। दोबारा फिर आ गए यहाँ पर, फिर उठ चले हैं। जल्दी से हम इन्हें दाना पानी डालते हैं। ये देखिए डब्बे के अंदर आ चुके हैं जो अपने इन्होंने घोंसला बनाया था। ये फीमेल है मेल, लेकिन एक अंदर आ चुका है डब्बे के अंदर। जल्दी से हम इन्हें दाना पानी डालते हैं। ये जो है बिल्कुल खाली है, जो इसमें पानी था हमने वो बाहर फेंक दिया है। अभी ताज़ा पानी डालने वाले हैं इसको। अभी हम बाजरा लेके आए हैं, वहाँ से अभी इनको डालेंगे। हमने दाना पानी डाल दिया है और एक नज़र आपको अपने बर्ड की तरफ करते हैं, लेकिन उससे पहले हम अच्छे बर्ड को दिखाते हैं तो यहाँ पर कैसे गौर से देख रहे हैं। जैसे ही हमने इनको बाजरा डाला तो वो इधर बहुत गौर से देख रहे थे। उन्हें भी अभी हम दाना पानी डालते हैं। देखिए काफ़ी तादाद में यहाँ पर आ रहे हैं। जल्दी से हम अस्ट्रेलियन बर्ड्स की केज की कॉलोनी के अंदर जाते हैं और उन्हें भी दाना पानी डालते हैं। फाइनली हम जो है अस्ट्रेलियन बर्ड्स की कॉलोनी के अंदर आ चुके हैं और हमने दाना पानी डाल दिया है और आपको ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। काफ़ी तादाद में जो है ऊपर बैठ चुके हैं, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ऊपर कहीं पर भी सिर्फ मटकों के सिवाय। इस तरफ दो बड़े बजेज हैं अभी ऊपर बैठे हैं और आप देख सकते हो कि बजेज के बच्चे जो है नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अभी हम आपको नीचे का नज़ारा दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या है। यहाँ पर ये सूरत हाल है कि यहाँ पर भी काफ़ी तादाद में आ चुके हैं और वहाँ पर भी काफ़ी तादाद में बैठ चुके हैं। ऊपर बहुत कम है, ये देखिए किसी को जगह भी नहीं दे रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी बहुत भीड़ जमा हुई है। आप ये देख सकते हो कि बजिश के बच्चे को जो है मेल जो है खाना खिला रहा है। देखिए और दूसरा जो भी वो खाना नहीं खिला रहा। और वो बजे का बच्चा आपको नजर आ रहा होगा कि नीचे आने की कोशिश कर रहा है पर नीचे नहीं आ सकता। काफी मस्ती से बाहर निकल चुका है, शायद नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें और हमारे चैनल मिनी व्लॉग डोंगर को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को पूरा देखा करें।
तमाम बजिस बड़े छोटे नीचे आ चुके हैं और कुछ ही ऊपर रह चुके हैं। ओ बजिस का बच्चा भी नीचे आने की कोशिश कर रहा है, अभी दोबारा से जो है खाना खा रहा है। ये देखिए ये सारे उड़ क्यों गए, लगता है कि शोर की वजह से हैं, सारे उड़ चुके हैं, काफ़ी तादाद में ऊपर आ चुके हैं, अभी दोबारा नीचे जाएंगे। अभी दोबारा नीचे आ रहे हैं। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल मिनी ब्लॉग डोगर को जरूर सब्सक्राइबर किया करें और वीडियो को लाइक किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।